हेलो दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस सीरीज में मैं राहुल सर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 14 में हम चार इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं को पढ़ने वाले हैं, सॉरी पांच इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारी दोस्तों पहली रहेगी डाई एजोटीकरण अभिक्रिया, सेकेंड रहेगी हमारी एमिनो अपघटन अभिक्रिया, थर्ड हमारी रहेगी एसिडीकरण अभिक्रिया जिसको हम सॉटन बॉमन अभिक्रिया ही बोलते हैं, मैं बताऊंगा, फोर्थ है हमारी युग्मन अभिक्रिया और फिफ्थ है हमारी दोस्तों हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ये पांच इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं को हम कंप्लीट करने वाले हैं और दोस्तों ये कई बार एग्जाम में आ चुकी हैं, आती रहती हैं, तो ये फॉर एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम करते हैं डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। क्या? डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। तो यदि दोस्तों मैं डाई एजोटीकरण अभिक्रिया की बात करूं तो दोस्तों डाई एजोटीकरण अभिक्रिया में क्या करते हैं, हम एनिलीन की अभिक्रिया कराते हैं। डाई एजोटीकरण अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, एनिलीन की अभिक्रिया कराते हैं। देखो ये एनिलीन क्या होता है, एनिलीन होता है C6H5NH2, है ना, या फिर आप ऐसा नहीं लिख सकते तो आप रिंग के ऊपर NH2 लिख दीजिएगा, ये आपका बन जाता है एनिलीन। ठीक है, तो ये मेरे भाई एनिलीन है और ये एनिलीन का फॉर्मूला है एनिलीन। ठीक है, एनिलीन। ठीक है, तो डाई एजोटीकरण अभिक्रिया में मेरे भाई क्या करते हैं, हम एनिलीन की ताजे HNO2, ताजे HNO2, HNO2। अब HNO2 क्या होता है, नाइट्रस अम्ल होता है। अब ये ताजा चाहिए दोस्तों, ये हाल का बना हुआ चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए कि पहले से बना हुआ रखा है तो वो नहीं चाहिए, ये हमें हाल का बना चाहिए, तुरंत में इसको बनना चाहिए, बनाना चाहिए। ठीक है, तभी इससे आप क्रिया कराना चाहिए इसको। ठीक है, ठीक है, तो इसका नाम क्या है मेरे भाई, नाइट्रस अम्ल, है ना, नाइट्रस अम्ल। ठीक है, आप कहोगे कि सर इसको तुरंत में बना के कहाँ से लाएं, तो तुरंत में बनाने का भाई मेरे पास एक सॉल्यूशन है। क्या है सॉल्यूशन, यदि मेरे भाई आप क्या, सोडियम नाइट्राइड, ये होता है सोडियम नाइट्राइड, इस सोडियम नाइट्राइड की आप HCl के साथ क्रिया करा देते हो, किसके साथ, HCl के साथ करा देते हो, तो H आ जाता है इधर और Na आ जाता है इधर, तो H जब इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा HNO2 और Na इधर आ जाएगा तो बन जाएगा NaCl, है ना, तो हमें ये तुरंत का बना चाहिए HNO2। ठीक है, तो ये हमने आपको बनाकर बता दिया। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं मेरे भाई, एनिलीन की हम HNO2 के साथ क्रिया कराते हैं और इसमें हम HCl भी लेते हैं, क्या लेते हैं, HCl। ठीक है, तो ध्यान रखना एनिलीन की नाइट्रस अम्ल और HCl के साथ अभिक्रिया हम कराते हैं। ठीक है, तो क्या होता है मेरे भाई उसको समझो, तो देखो आपको इधर कितने O दिख ऐसे दिख रहे हैं, दो, एक H आपको दिख रहा है इधर, तीन, और एक H आपको दिख रहा है इधर, कितने हो गए, चार, तो हमारे पास चार H दिख रहा है, दो तीन चार, है ना, और यहाँ आपको दो O दिख रहे होंगे, दिख रहे होंगे, तो ये चार H दो O के साथ बना लेते हैं 2H2O, तो ये 2H2 हो गया बाहर। अब हमारे पास दिख रहा है मेरे भाई, हमारे पास आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखो आप बेंजीन दिख रहा है, यहाँ आपको एन दिख रहा है और यहाँ आपको एन दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे पास देखो H2HO और ये H तो चला गया, है ना, हमारे पास क्या बचा, C6H5, यहाँ से इधर से एन, इधर से एन, तो ये क्या बन गया, N2 बन गया, क्या बन गया, N2, और इधर से क्या बचा हमारे पास, Cl, क्या बचा, Cl, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, ये बेंजीन और ये डाई एजोनियम, मतलब इसको हम एजो भी बोलते हैं ना, एन को हम एजो ही बोलते हैं, तो दो हैं, तो डाई एजोनियम और ये क्या है, क्लोराइड, तो ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, बेंजीन, बेंजीन डाई एजोनियम, एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो डाई एजोटीकरण क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें डाई एजो प्राप्त होता है, आपको दिख रहा है ना डाई एजो, है ना, इसलिए इसका नाम रखा गया डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो इसकी थ्योरी क्या होगी, आपको लिखना है, वीडियो को आपको पॉज कर लेना है और लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, एनिलीन की ताजे HNO2 बा HCl के साथ अभिक्रिया करवाने पर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है, इस अभिक्रिया को डाई एजोटीकरण अभिक्रिया कहती है।
ठीक है, सब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने एक एक चीज को आपको स्पष्ट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट हम दोस्तों करेंगे हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, हाफ मैन ब्रोमाइड ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, इसको मैं कंप्लीट कराता हूं। ठीक है, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक है चलो, तो देख लीजिए हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में हम क्या करते हैं। तो दोस्तों जो हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया होती है, इसमें हम एसिटामाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? एसिटामाइड। तो एसिटामाइड क्या होता है? तो मेरे भाई एसिटामाइड होता है C6H5CONH2, सॉरी दोस्तों ये तो बेंजामाइड होता है, बेंजामाइड होता है। ठीक है, CH3CONH2, ये होता है एसिटामाइड। क्या होता है मेरे भाई? ये एसिटामाइड होता है। ठीक है, तो हाफ मैन अभिक्रिया में हम क्या करते हैं दोस्तों, जो एसिटामाइड होता है, इस एसिटामाइड की, देखो क्या बोला इसने, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, मतलब इसमें ब्रोमीन की भी जरूरत होती है। ठीक है, ये एसिटामाइड होता है, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एसिटामाइड, एसिटामाइड, इस एसिटामाइड की है ना ब्रोमीन, क्या ब्रोमीन और एल्कोहलीय क्यूएच, एल्कोहलीय क्यूएच के साथ अभिक्रिया हम कराते हैं। ठीक है, ब्रोमीन और एल्कोहलीय क्यूएच के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो इसमें मेरे भाई हम इसमें चार अणु लेते हैं, इसके कितने अणु लेते हैं? चार अणु। ठीक है, तो चार अणु लेते हैं, तो हमारे पास चार के आ गए, चार ओ आ गए और चार एच आ गए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा मेरे भाई, दो के इन दो बी आर के साथ बना लेंगे 2KBr, 2KBr, दो के दो बी आर के साथ क्या बना लेंगे, 2KBr बना लिया। ठीक है, बन गया। अब इसमें क्या होगा, अब हमारे पास कितने के बचे हैं, दो के बचे हैं, दो के बचे हैं और हमारे पास ओ कितने हैं, चार हैं, कितने, चार, और हमारे पास एच भी कितने बचे हैं, चार। ठीक है, तो क्या होगा मेरे भाई, जो चार एच हैं, ये चार एच दो ओ के साथ, दो ओ के साथ बना लेंगे 2H2O। क्या बना लेंगे? 2H2O। देखो तो 2H2O भी बन गया है ना। अब हमारे पास दो ओ बचे हैं केवल, क्योंकि चार एच चले गए और दो ओ H2O के साथ चले गए, तो हमारे पास केवल कितने ओ बचे हैं, दो ओ बचे हैं और दो के बचे हैं। ठीक है, अब इधर से हमें क्या दिख रहा है, CO है ना। अब इन दो ओ को इस CO के साथ मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा CO3 बन जाएगा, CO3 बन जाएगा, और ये हमारे पास के कितने हैं, दो है ना। तो CO3 पर क्या होता है, 2- और के पर क्या होता है, 1+ है ना। तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा K2CO3 बन जाएगा। तो के हमारे पास दो भी हैं और CO3 भी है, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, K2CO3, K2CO3। ठीक है, ये बन गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास केवल बचा दोस्तों यहाँ से CH3, यहाँ पर क्या बचा, NH2 है ना। एक बार आपको समझना है तो फिर से वीडियो को पीछे करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो CH3NH2, तो ये हमारा CH3 और ये हमारा क्या आ गया, NH2, जिसको हम बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं? एमीन, या फिर हम दोस्तों इसको और क्या बोलते हैं, मैथिल एमीन। क्या बोलते हैं? मैथिल एमीन है ना। और क्या बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं प्राथमिक एमीन। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको इसकी थ्योरी चाहिए है तो क्या करना होगा दोस्तों, इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी, एसिटामाइड की ब्रोमीन व एल्कोहलीय KOH के साथ अभिक्रिया करवाने पर एमीन या मैथिल एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जब ये अभिक्रिया नाम से आ गई कि ये बताओ कि हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है, तो आपको ये बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हम इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है ही, साथ में ये भी इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया की बात करें तो मेरे भाई ये अभिक्रिया लास्ट ईयर 2020 में ही आई थी, ठीक, तो इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक है, और ये अभिक्रिया 2019 में आई थी। ठीक है, तो यहाँ 2019 2020, तो इसके चांसेस ज्यादा हैं इस बार, और इसके चांसेस भी हैं क्योंकि रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारी दो अभिक्रिया हुई, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं एमिनो अपघटन अभिक्रिया। इस एमिनो अपघटन अभिक्रिया की बात करें मेरे भाइयों, तो इसमें हम क्या करते हैं, एल्कोहल या फिनोल की अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं, एल्कोहल या फिनोल की अमोनिया के साथ अभिक्रिया
कराते हैं, ठीक है। तो एल्कोहल में आप मैथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, कोई सा भी एल्कोहल ले सकते हो, आप एल्किल एल्कोहल भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैथिल एल्कोहल लेता हूँ, ये मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल, ठीक है। इसकी हमें अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराना है, ठीक है। तो ये हमारा रहा अमोनिया, ठीक है। तो अमोनिया के साथ जैसे ही हम अभिक्रिया कराएंगे दोस्तों, तो दोस्तों जो थोड़ा सा अमोनिया है इसको आप तरीके से लिख लो, कैसा लिख लो आप, एच यहाँ ओपन कर लो और एन एच टू आप ऐसा लिख लो, क्योंकि एन एच थ्री है तो एच एच हम नहीं कर लिया, ठीक है। तो जैसे ही हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे मेरे भाई, तो क्या होगा, जो एमिनो समूह है इस एमिनो समूह का ओ एच द्वारा प्रतिस्थापन हो जाएगा, मतलब ये एमिन समूह ओ एच को प्रतिस्थापित कर देगा, हटा देगा। हटाएगा कैसे बता रहा हूं, तो ये जो आपका एच है ये एच इस ओ एच के साथ बना लेगा एच टू, एच के ओ एच के साथ क्या बना लेगा एच टू, तो ये एच टू ओ बन गया, एच टू ओ बन गया, और एन एच टू आपको दिख रहा है ये यहाँ पर जाकर एड हो जाएगा, तो ये सी एच थ्री और ये हमारा क्या हो गया एन एच टू, एन एच टू, तो ये हमारा क्या बन गया मैथिल एमीन, जिसको हम बोलते हैं एमीन भी बोलते हैं, एमीन भी बोलते हैं इसको, प्राथमिक एमीन भी बोलते हैं, और इसका नाम मैथिल एमीन भी है, क्या है मैथिल एमीन, तो ये मैथिल एमीन भी बन गया, समझ में आपको आया, ठीक है। अब दोस्तों क्या होगा, यदि हमने इस एल्कोहल की अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराई तो प्राथमिक एमीन बन गया, ठीक है। इसमें यह भी होता है, अब यदि हम इस एल्कोहल की, किसकी एल्कोहल ये आपका है, इस एल्कोहल की यदि हम प्राथमिक एमीन मतलब इस मैथिल एमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, है ना, मैथिल एमीन के साथ अभिक्रिया करा दें, तो क्या होगा, जो NH2 है इसमें से एक एच इस OH के साथ क्या बना लेगा H2, क्या बना लेगा H2O, है ना, और जो सी एन एच है, अब क्या बचा है, कितना बचा है यहाँ पर एन एच, और यहाँ पर क्या है सी एच थ्री, यहाँ पर क्या बचा सी एच थ्री, तो सी एच थ्री इस एन एच के साथ फिर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा सी एच थ्री और ये एन एच, और यहाँ से कौन जुड़ जाएगा ये वाला सी एच थ्री, समझ में आपको आया, एक एच इस ओ एच के साथ एच टू ओ बना लिया, अब क्या बचा सी एच थ्री एन एच, तो ये लिखा है, अब इसके साथ कौन जुड़ गया ये सी एच थ्री, है ना, तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ द्वितीय एमीन, कौन सा एमीन द्वितीय एमीन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं प्राथमिक एमीन भी बोलते हैं ना, प्राथमिक एमीन, ठीक है। अब ये तो हमारा द्वितीय एमीन भी इसी में प्राप्त हुआ, अब देखो फिर से किया ना, एमिनो समूह ने ओएच को फिर से हटा दिया और द्वितीय एमीन बना दिया, फिर से ये द्वितीय एमीन एल्कोहल से क्रिया करेगा, फिर से ये आपको जो द्वितीय एमीन दिख रहा है ये एल्कोहल से क्रिया करेगा, और फिर से एल्कोहल से क्रिया करेगा ये द्वितीय एमीन, ठीक है। तो ये सी एच थ्री, ये एन एच और ये सी एच थ्री, ये द्वितीय एमीन है, ठीक है। अब ये द्वितीय एमीन फिर से एल्कोहल से क्रिया करेगा, तो इसका जो एक एच दिख रहा है एक एच फिर से ओ एच को बाहर कर देगा और क्या बना देगा एच टू ओ, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा सी एच थ्री, इधर से क्या बचा एन बचा, इधर से क्या है सी एच थ्री, ठीक है। अब एक सी एच थ्री इधर बचा है तो वो आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा सी एच थ्री, तो ये हमारा बन जाएगा तृतीय एमीन, ठीक है। तो दोस्तों पूरा तो इसका ये है कि इसमें तृतीय एमीन तक बनता है, तृतीय एमीन तक बनता है, ठीक है। बाकी आप प्राथमिक एमीन बना दोगे तो भी सही रहेगा, द्वितीय तक बना दोगे तो भी सही रहेगा, तृतीय तक बना दोगे तो फिर सही रहे नहीं है, ठीक है, बाकी आपका ये है, ठीक है। तो इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी, एल्कोहल की जब अमोनिया प्राथमिक एमीन या द्वितीय एमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एमीन समूह द्वारा ओएच समूह का विस्थापन हो जाता है ना, विस्थापन हो जाता मतलब ओएच समूह एमिनो समूह द्वारा हट जाता है, ठीक है। फलस्वरूप प्राथमिक एमीन कभी द्वितीय एमीन कभी तृतीय एमीन प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को एमिनो अपघटन कहते हैं, है ना, नाम ही है एमिनो अपघटन, मतलब एमीन द्वारा हटना, एमीन द्वारा अपघटन होना या हटना एमिनो अपघटन है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें भी देखो एमीन द्वारा ओ एच हट रहा है, इसमें भी एमीन द्वारा ओ एच हट रहा है, एमीन क्या कर रहा है एक एच इसको देकर एच टू बना के वापस कर दे रहा है, रवाना कर दे रहा है, और एन एच यहाँ पर जुड़ जाएगा, मतलब ठीक है हट गया ओ एच, इसमें भी एन एच के द्वारा ही ओ एच हट रहा है, इसमें एन एच अपना एक एच ओ एच को देकर एच टू बना लेगा और इधर से ओ एच को हटा देगा, तो सब में ओ एच का अपघटन हो रहा है, सब में ओ एच हट रहा है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं एमीनो अपघटन, है ना। एक बार और सुन लो इसकी थ्योरी क्या होगा, इस अभिक्रिया में एल्कोहल की अमोनिया
प्राथमिक एमीन या द्वितीय एमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिससे एमिनो समूह द्वारा OH का प्रतिस्थापन या विस्थापन हो जाता है। फलस्वरूप प्राथमिक एमीन, द्वितीय एमीन या तृतीय एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को एमिनो अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं। दोस्तों अब हम करते हैं एसिलीकरण अभिक्रिया, जिसको हम सॉटन बर्मन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम करते क्या है, तो दोस्तों इस एसिलीकरण अभिक्रिया में हम एनिलीन लेते हैं। क्या लेते हैं? C6H5NH2, जिसको हम बोलते हैं एनिलीन। ये एनिलीन लेते हैं, ठीक है। इसको एनिलीन, इसके मतलब रिंग के ऊपर NH2 करके भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? एनिलीन, ठीक है। इस एनिलीन की दोस्तों हम एसिटिल क्लोराइड के साथ, सॉरी बेंजिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ? बेंजिल क्लोराइड के साथ, ठीक है। अब ये बेंजिल क्लोराइड क्या होता है? तो दोस्तों जो बेंजिल क्लोराइड होता है वो होता है C6H5COCl। ये होता है बेंजिल क्लोराइड, मतलब रिंग के ऊपर COCl। ये होता है आपका बेंजिल क्लोराइड। क्या होता है? बेंजिल क्लोराइड। अब रिंग को हमने C6H5 लिख दिया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये बेंजिल क्लोराइड होता है। क्या होता है? बेंजिल, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। इस बेंजिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई, जब बेंजिल क्लोराइड के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो होता क्या है? तो होता क्या है मेरे भाई, इसका जो एक एच है, चाहे तो आप NH2 लिखा है, इसका एक एच आप ओपन भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही मेरे भाई जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो होगा क्या, ये जो एच दिख रहा है, ये एच HCl के साथ क्या बना लेगा? HCl। तो ये हमारा बन गया HCl। अब HCl हो गया बाहर। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बचा, देखो C6H5CO, इधर से क्या बचा? बचा C6H5NH, है ना। तो आप वो वाला लिख दो फिर, है ना, या फिर आप ये वाला लिख दो, ठीक है, कोई सा भी लिखो, ठीक है। तो पहले मैं ये वाला लिख दे रहा हूँ। तो C6H5, इधर से क्या है? CO। इधर से क्या है? CO बचा। अब इधर से क्या बचा? NH और C6H5। तो NH को NH से लिखो, है ना, पहले NH को जोड़ो फिर C6H5 को जोड़ना, ठीक है। तो ये मैंने जोड़ दिया NH को और ये मैंने जोड़ दिया C6H5 को, समझ रहे ना, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपको ये जो दिख रहा है ना, ये आपको जो दिख रहा है, ये होता है बेंजामाइड, है ना। क्या होता है? ये आपको दिख रहा है ना, इतना पूरा, ये इतना पूरा क्या होता है? बेंजामाइड, है ना। तो ये मैंने लिख दिया बेंजामाइड, बेंजामाइड। तो ये बेंजामाइड, और ये क्या है हमारा? बेंजीन। क्या है? बेंजीन, ठीक है। तो ये बेंजीन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? बेंजीन। ये बेंजीन हो गया और ये पूरा बेंजामाइड। तो ये बेंजीन, बेंजामाइड, बेंजीन, बेंजामाइड। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों इस अभिक्रिया में एनिलीन के हम बेंजिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, फलस्वरूप बेंजामाइड बनता है। इस अभिक्रिया को एसिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में आपको आता है कि एसिलीकरण अभिक्रिया है क्या है, तो आपको समझाना है, बता देना है कि एनिलीन की बेंजिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर बेंजीन बेंजामाइड बनता है। इस अभिक्रिया को एसिलीकरण या सॉटन बोमेन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब बेंजीन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? फेनिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनिल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं फेनिल बेंजामाइड, है ना। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, है ना। तो दोस्तों मैं फॉर्मूलों की बार बार बोल रहा हूँ, है ना, कि फॉर्मूले दोस्तों आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओपन करेंगे तो आपको सेकेंड थर्ड वीडियो में टोटल फॉर्मूले ही मिलेंगे। टोटल आपको फॉर्मूले ही बताए गए हैं, तो सेकेंड और थर्ड वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप स्टार्ट करेंगे 11 यूनिट से, तो उसमें फॉर्मूले हैं। उस फॉर्मूले को याद करें, पढ़ें। यदि फॉर्मूले आपने अच्छे से याद कर लिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया है, तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अब हम आगे पढ़ते हैं, और हमारी अगली अभिक्रिया है जिसका नाम है डाई एजोटीकरण अभिक्रिया,
ठीक है, नो नो, युग्मन अभिक्रिया है दोस्तों, है ना, युग्मन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है। तो दोस्तों इस युग्मन अभिक्रिया की बात करें तो इस युग्मन अभिक्रिया को आप पहले भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, लगभग 12 यूनिट में, है ना, इस युग्मन अभिक्रिया को आप पढ़ चुके हो। फिर से आपको मैं इसकी मतलब फिर से मैं इस अभिक्रिया को करा रहा हूँ, ठीक है। तो इस युग्मन अभिक्रिया में क्या करते हैं दोस्तों, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लेते हैं, क्या लेते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड क्या होता है, C6H5N2Cl, ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड होता है। इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की मेरे भाई हम एनिलीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, एनिलीन, तो एनिलीन क्या होता है, C6H5NH2, ये होता है एनिलीन, इस एनिलीन के साथ अभिक्रिया हम कराते हैं, ठीक है। तो बनता क्या है वो हम दिखाएंगे, लेकिन दोस्तों आप क्या कीजिए, इसको आप उल्टा लिख सकते हो, इसको उल्टा करते करके लिख सकते हो, क्योंकि हमें सुविधा के अनुसार उल्टा सीधा कैसे भी करके हम लिख सकते हैं, तो इसको उल्टा लिख दें। तो पहले हम दोस्तों H H और ये N, हम ऐसा लिख दे रहे हैं, देखो NH2 हो गया है ना, और ये C6H5 ऐसा लिख दिए, ठीक है। ऐसा करोगे तो क्या होगा मेरे भाई, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये H H और Cl हो जाएंगे बाहर, HCl हो जाएंगे बाहर, HCl हो गया बाहर, अब HCl हो गया बाहर, तो ये हमने कर दिया HCl बाहर, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, देखो C6H5NH बचा, उधर से क्या बचा, C6H5N2, C6H5N2, और इधर से हमारे पास क्या बचा, NH बचा, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा मेरे भाई, इसमें हाँ इसमें क्या होगा कि ये जो C6H5N2 बचा है और इधर से C6H5NH बचा है, ये इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये C6H5 और ये हमारा N2 रहा, ये हमारा, अब सिंगल बॉन्ड से आप इसको NH करके जोड़ दें, और ये हमारा C6H5, C6H5, ठीक है, C6H5N2, C6H5N2, यहाँ से NH, तो ये NH और ये C6H5, ठीक है। तो ये हमारा, तो दोस्तों इसके नाम की बात करें तो आप देख रहे हैं डाई एजो, मतलब एन को हम क्या बोलते हैं, एजो, तो एन कितने हैं, दो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई एजो। और आपको पता है NH2 क्या होता है, एमिनो होता है, क्या होता है, एमिनो, लेकिन यहाँ पर एक एच कम है तो इसको भी हम बोलेंगे एमिनो, क्या बोलेंगे, एमिनो। और ये आपको दिख रहा है ये बेंजीन है और ये भी क्या है, बेंजीन है ना, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, डाई एजो, डाई एजो, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एमिनो, डाई एजो एमिनो, एमिनो, ठीक है। और ये दोनों क्या है, बेंजीन, तो इसको एक बार लिख दो, बेंजीन, बेंजीन, ठीक है। तो डाई एजो एमिनो बेंजीन।